हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर होता क्या है इसके बारे में जानते हैं, इसको लॉजिक देखते हैं, देन प्रोग्राम करके इसको रन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैजिक नंबर होता क्या है। मैजिक नंबर द सम ऑफ इट्स डिजिट रिकर्सिवली इज कैलकुलेटेड टिल अ सिंगल यूनिट। इफ द सिंगल डिजिट इज ए देन द नंबर इज ए कॉल्ड मैजिक नंबर। यानी आपको नंबर लेना है, नंबर जो नंबर हो उसका क्या करना है, सम करना है। सम किस तक करना है, जो नंबर हो उसके डिजिट को, और तब तक करना है जैसे कुछ आप नंबर लिया उसका सम किया, फिर अगर अभी टू डिजिट में है फिर उसका सम करिए, जब तक वो वन डिजिट में वन आ जा रहा है तो वो आपका मैजिक नंबर है। उसके अलावा वन के बाद नौ से कम अगर वो आ रहा है तो आपका वो मैजिक नंबर नहीं है। चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे इट्स इज क्विट सिमिलर टू हैप्पी नंबर। हैप्पी नंबर दोनों सेम है। हैप्पी नंबर में क्या होता है, डिजिट का स्क्वायर हो जाता है सिर्फ, तब वो सम होता है। फिर से आ गया फिर उसका स्क्वायर होता है, फिर सम होता है, उसका भी यही है कि लास्ट में वन आ जाए। ठीक है, चलिए मैं मैजिक नंबर का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने 55 नंबर लिया, इसका डिजिट क्या है, 5 5। इसको क्या करना है, सम करना है। मैंने क्या किया, सम ऑफ डिजिट कितना आया, 10 आ गया। अब 10 क्या, ये तो भी टू डिजिट में है, हमें चाहिए किस में, सिंगल यूनिट में, यानी सिंगल डिजिट में चाहिए। ये कितने डिजिट में है, 2। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर सम करेंगे। कब तक सम करना है, जब तक वन डिजिट में ना आ जाए। अगर वन डिजिट में अगर वन आ रहा है तो क्या है हमारा, वो तो हमारा मैजिक नंबर है, अदरवाइज मैजिक नंबर नहीं है। जैसे मैंने इसको किया सम, ये वन आ गया, ये क्या हमारा, ये मैजिक नंबर है। मैंने यहाँ 555 लिया, इसका किया गया मैंने 5 5 5। ठीक है, मैंने इसको 5 + 5 + 5 इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसको फिर हम सम करेंगे, नंबर लिया फिर मैंने इसको सम किया, कितना है हमारा, 6। और ये वन तो आया नहीं, ये सिंगल सिंगल डिजिट में तो आ गया, बट ये हमारा वन नहीं आया, तो ये क्या हो गया, नॉट ए मैजिक नंबर। मैं इसको इरेज करता हूँ, देन इसे कुछ स्टेप बताता हूँ। हमें फर्स्ट क्या करना है, नंबर लेना है, वो भी 9 से बड़ा हो, यानी 2 डिजिट का हमें नंबर कोई लेना है, पहले हमें वो चेक करना है। फिर इसके बाद अगर टू डिजिट का हमारा नंबर आ गया, देन क्या करना है, उसको हमें उसके डिजिट को सम करना है, और सम करना है। फिर चेक करना है क्या 9 से उसकी वैल्यू बड़ी है या छोटी। अगर छोटी है तो फिर ये चेक करेगा कि सेम वैल्यू इसकी 1 है या नहीं। अगर 9 से बड़ी है तो ये फिर प्रोसेस रिपीट करेगा 1 और 2 को, यानी फिर ये उसी नंबर को फिर सम करेगा। कब तक करता रहेगा रिपीट, जब तक 9 से छोटी नहीं आ जाता। अगर 9 से छोटा आ जाता है आपका नंबर सम, तो हमारा फिर वो चेक करेगा क्या 1 के इक्वल है। अगर 1 के इक्वल है तो आपका मैजिक नंबर हो गया, नहीं तो प्रिंट कर देगा नॉट ए मैजिक नंबर। ठीक है, चलिए इसको हम प्रोग्राम से करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने क्लास मैजिक नाम से बना रखा हुआ है, देन मैंने यहाँ पे मेन मेथड चला दिया। मेन मेथड चलते ही मुझे क्या प्रिंट हो जाए, पहले इंटर द वैल्यू, यानी यूजर से वैल्यू लेने के लिए पहले क्या प्रिंट हो जाए, इंटर द वैल्यू, इसलिए मैंने इसको पहले ही प्रिंट करा रखा हुआ है। देन इंट या नॉन, यानी यूजर से वैल्यू लेने के लिए मैंने ये लाइन चलाई हुई है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, इंट नम और रिमाइंडर 1 सम 0, क्योंकि जो वैल्यू हमारी n1 आएगी वो किस में, मैंने इसको होल्ड कर लिया, स्टोर कर लिया नम के नाम से। ठीक है, पहले मैं वैल्यू चेक करूँगा क्या कि हमारी वो वैल्यू जो है वो 9 से बड़ी है या नहीं। अगर बड़ी है तो इसमें जाएगी, देन अगर 9 से बड़ी है तो फिर इसमें चेक करेगा क्या वैल्यू वो 0 से बड़ी है या नहीं। अगर 0 से बड़ी है तो फिर इसमें प्रोसेस में आएगा, तो क्या करेगा, रिमाइंडर पहले निकालेंगे हम एंड डिजिट निकालने के लिए। अब इसमें जैसे मान लीजिए हमने 55 ही लिया, ठीक है, अब यहाँ से चेक किया पास हो गया, यहाँ से भी हाई नंबर था तो आ गया, यहाँ 5 हो गया। अब ये
रिमाइंडर 10 करता क्या है, जो लास्ट का डिजिट है सिर्फ उसको काउंट करता है, यानी 5 को। अब सम में मैंने ऑलरेडी इसके पहले 0 रखा हुआ है, तो सम में क्या हो गया, 0 था। अब ये कितना हो गया, 0 प्लस 5, ठीक है। अब हमारा सम में कितना टोटल हो गया, 5, ठीक है। फिर ये आ गया 55 इसके पास, क्योंकि अभी तक यहाँ तो 55 ही था। फिर ये डिवाइड 10 है, तो इसका मतलब ये लास्ट की जो वैल्यू है इसको क्या करेगा, स्किप कर देगा, यानी हटा देगा सिर्फ लास्ट डिजिट को। फिर ये बचा इसके पास 5, और फिर ये 5, अब यहाँ पे जो हमारा नंबर था, अब यहाँ से 5 ये रिटर्न इधर इसके पास गया चेक करने के लिए, 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है ये, फिर रिटर्न यहाँ से आ गया, ठीक है। अब सम में हमारा क्या आ गया था, सम हमारा 5 आ गया, ठीक है। फिर ये यहाँ से चेक किया, फिर ये लास्ट डिजिट सिर्फ 5 ही था, तो ये फिर काउंट कर लिया, ठीक है। देन इसके पास भेजा, तो ये भी फिर 10 से ये डिवाइड करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि ये सिर्फ 5 अगर वैल्यू आएगा, 5 वैल्यू को ये स्किप करेगा, तो इसके आगे वैल्यू क्या बचेगी, 0। ये 0 चेक किया, चेक करने यहाँ पे क्या हो गया, 0 ग्रेटर देन 0, यानी फिर तो यहाँ पे ये टर्मिनेट करके फिर हमारे सम में कितना आ गया, 5 प्लस 5, यानी 10 आ गया, ठीक है। अब नंबर में कितना हो गया हमारा, अब ये दोनों इक्वल हो गए, नम और सम इक्वल टू 10 हो गया। अब ये 10 वैल्यू यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ से रिटर्न इसके पास गया चेक करने के लिए फर्स्ट रूप, ठीक है। अब यहाँ चेक किया 10 क्या है, ग्रेटर देन है, फिर यहाँ से रिटर्न इसके पास आया, फिर अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब ये क्या स्किप करेगा, ये फर्स्ट अगर रिमाइंडर निकालेगा तो पहले यहाँ से 0 वैल्यू लेगा, यानी अब इसमें 0 था, अब कितना हो गया, 0। फिर इसके पास ये 0 को स्किप कर देगा, 10 हुआ, ये यहाँ से 0 को स्किप किया, अब क्या बचा, 1। अब फिर ये 1 इसके पास जाएगा, चेक करेगा क्या ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर है, फिर इसके पास आया ये 1 लिया, अब ये क्या हो गया, 1, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 1, अब ये 1 इसके पास आया, ये क्या किया, ये इसको हटा दिया, यानी स्किप कर दिया, क्योंकि 10 से डिवाइड होगा, तो ये स्किप करने के बाद बचा क्या, 0, ये किया 0। अब हमारे पास सम में कितना आ गया वैल्यू, 0 पहले से था ही, 0 प्लस 1 यानी 1। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 1। अब सम में हमारी कितनी वैल्यू आ गई, 1, ठीक है। अब नम में भी 1 आ गया, अब ये चेक करने गया क्या 9 से बड़ी है, नहीं 1 छोटा है, तो यहाँ से अब अंदर नहीं जाएगा, अब आएगा ये वैल्यू चेक करने, हमारे में क्या आ गया, 1, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी वैल्यू आई, हमारे पास कितनी यहाँ पे वैल्यू आ गई, अब हमारे पास सम में 1 आ गया, ठीक है। अब सम और नम क्या है हमारा, इक्वल है, यानी नम में भी हमारा 1 आ गया। अब क्या 1 इक्वल टू 1 हो गया, तो हमारा ये प्रिंट कर देगा मैजिक नंबर। अगर वहीं सम करने पे अगर वो 9 आता, या फिर मतलब 2 3 4 कुछ भी आता 9 तक ले, तो क्या होता, हमारा इक्वल नहीं होता, तो इक्वल नहीं होता तो प्रिंट करता नाट ए मैजिक नंबर, ठीक है। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इरेज कर दिया मैं, अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैजिक नाम से, क्योंकि इसी के नाम से मैंने इसकी क्लास बना रखी हुई है, मैजिक डॉट जावा, सेव हो गया। अब इसको इस फाइल में हम मैजिक के नाम से सेव है, मैं इसको करता हूँ रन, मैंने CMD से, मैंने कंपाइल करने के लिए होता है जावा सी, फिर क्लास का नाम मैजिक डॉट जावा, ठीक है। ये हमारा हो गया कंपाइल, हो गया। अब इसको रन कराते हैं, रन करने के लिए जावा क्लास का नाम, इंटर द वैल्यू, मैंने 55 लिया था, ये मैजिक नंबर, और मैं यहीं पे 56 ले रहा हूँ, नीचे नाट ए मैजिक नंबर, ठीक है।
आप लोग को अगर इसका कोड या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका कोड एंड वीडियो सारी चीज़ें वहाँ से आप स्टडी भी कर सकते हैं और कोड कॉपी भी कर सकते हैं।